मंगलवार को शाम 5 बजे के करीब सांगली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने महिला साहूकार की उत्पीड़न के परेशानी के चलते सीधे थाने में आत्महत्या कर ली। युवक का नाम अतुल गर्जे पाटिल है। उसने शहर थाने की छत पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से सांगली शहर में हड़कंप मच गया है। अतुल गर्जे पाटिल सांगली के नगर थाने में सफाई कर्मी का काम करता था। हालांकि एक महिला साहूकार के वसूली की जांच से तंग आकर प्रारंभिक अनुमान लगाया कि उसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस अतुल को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में डॉक्टर ने बताया कि अतुल ने जहरीली दवा डोरमैक्स का इस्तेमाल किया था। शहर के थाने में हुई इस घटना से काफ़ी हड़कंप मच गया है। थाने में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। पुलिस को अतुल ने पत्र में उल्लेख किया था कि वसूली प्रक्रिया से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। अतुल ने पत्र में महिला के नाम का उल्लेख किया है। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। आज दिनांक 26/4/2022 रोजी सायंकाळी 5 वाजे सुमारास ठाण्यामधील भोळकर यांनी टेरेसवर आपल्या पोलीस ठाण्यातील सफाई कामगार अतुल विलास गर्जे पाटील हा बेशुद्ध अवस्थेत आढळला, कुंडातून पेस आले होता, म्हणून त्याला तात्काळ पोलीस वाहनातून सिव्हिल हॉस्पिटल इथे आणलं असता डॉक्टरांनी तपासून त्याला अमृत घोषित केलेलं आहे आणि प्राथमिक तपासात त्याने डोरमॅक्स हे विषारी औषध पिऊन आत्महत्या केलेली आहे। सदर घटनेचा अधिक तपास चालू आहे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। Yes.